डॉक्टर साहब क्या मामला है आज जो ज्ञापन देने आए? देखिए आज हम यहाँ जो है ग्वालियर में अभी कुछ दिन पहले गुर्जर समाज की एक बहुत ही बड़ी पंचायत हो रही थी अपने समाज को जागृत और एकत्रित और संकित करने के लिए, तो उसमें जो ग्वालियर में वो पंचायत हो रही थी वो वहाँ के प्रशासन ने उस पंचायत में जो बहुत दूर दूर से आए हुए समाज के लोग थे जो समाज को शिक्षित और संकित करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि समाज को एक संदेश देंगे कि गुर्जर समाज भी शिक्षित हो और संकित हो, उसके लिए जो वो पंचायत बैठी थी उस पंचायत को वहाँ के प्रशासन ने एक सुनियोजित रूप से उसे तोड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया और जो गुर्जर नेता थे उनके ऊपर मुकदमा किए गए। आज हम जिलाधिकारी बरेली के यहाँ, ये हमारे भानु गुर्जर जी हैं, गुर्जर विकास परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, इनके साथ हम आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो उन पर अत्याचार हुए हैं, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी उन्हें जेल के सलाखों के पीछे लाया जाए और जो गुर्जर समाज के लोगों पर जो मुकदमे किए गए हैं, जो निर्दोष लोग थे जो समाज को शिक्षित और संकित करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को उनसे मुकदमे हटाए जाए और गुर्जर समाज को न्याय दिया जाए। आज पूरे देश के अंदर, ये बरेली के अंदर नहीं हो रहा, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर ये गुर्जर समाज आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है। पूरे जिला मुख्यालयों पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज गुर्जर समाज अपनी अपनी जगह से अपना रोष व्यक्त कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंप कर मांग करता है कि गुर्जर समाज के साथ न्याय किया जाए, वरना गुर्जर समाज बहुत आक्रोशित है और इसके लिए कोई भी कदम कभी भी उठा सकता है। आज हम इसलिए यहाँ बरेली आए हैं। आपका? मेरा नाम भानु गुर्जर है। किस संस्था से हैं? मैं गुर्जर विकास परिषद जिलाध्यक्ष हूँ। क्या शिकायत लेके आए आज? शिकायत यह है कि मध्य प्रदेश और ग्वालियर में जो गुर्जर वैदी लोगों पर जो अत्याचार और सरकार के सारे पर जो मुकदमे लगे हैं उसके बारे में जन साहब के यहाँ विज्ञापन देने आए हैं। मांग क्या मांग करते हैं? क्या मांग है आपकी? मांग है कि वो फर्जी मुकदमे उनको वापस निरस्त किया जाए। पर संघर्ष हमारा, जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।